यही जो है सो दशहरा मेला का गेट है, यानी कि मेन गेट है। दोस्तों, तो अभी हम आ चुके हैं दशहरा मेला में, और ये 121वां दशहरा मेला जो कि इस बार मनाया जा रहा है आपको इस मैदान में। इस दशहरा मेला में आपको बहुत सारी चीजें, उद्घाटन बहुत सारी चीज देखने को मिली है। तो चलिए आज इस दशहरा मेला दिखाने वाले आपको वीडियो में आगे कर चले ये रहा आपका राम द्वार, यानी कि यही रहा आपका गेट, इसी से अंदर एंट्री करेंगे। और आज हमें गर्व है कि कोटा दशहरा मेला राष्ट्रीय स्तर का मेला है, और ये मेला केवल मेला नहीं, हमारे आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति का प्रतीक भी है। मेले के साथ ही आज राम मिला शुरू हुई है। भगवान राम के जीवन दर्शन पर उनके विचारों को समाज में एक प्रेरणा मिले कि किस तरीके से भगवान राम ने 14 वर्ष वनवास करकर समाज का कल्याण किया, समाज के गरीब वंचित लोगों के साथ मिलकर असत्य और पाप का विनाश किया। इसलिए रावण दहन के पर्व पर हम सब सांकेतिक रूप से असत्य को समाप्त करते हुए सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा हमें रावण दहन से मिलती है। और इसके साथ ही आज हमें खुशी है कि लोकसभा में हमारे साथ सांसद और जिन्होंने फिल्मी जगत को केवल देश नहीं दुनिया के अंदर नाम पहुंचा, आज फिल्म जगत है कि दुनिया के कई देशों के अंदर भारतीय फिल्म बहुत लोकप्रिय है। और हेमा मालिनी जी तो सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री हुई, जो केवल भारत में नहीं दुनिया के अंदर कई देशों के अंदर हेमा मालिनी जी के हर फिल्म पर देश के अलग अलग राज्यों के अंदर भी और देश के अलग अलग हिस्सों में उनकी भाषा के अंदर वहां पर हिंदी फिल्म देखे जाती है। हिंदी फिल्म से भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत का आध्यात्मिक, भारत का धर्म पहुंचाने में फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है, और विशेष रूप से हेमा मालिनी जी का बहुत बड़ा योगदान है। हेमा मालिनी जी अत्यधिक धार्मिक रूप से आज दुर्गा पर संसार है।
तो गाइस देखिए यहाँ पे रावण बनाया जा रहा है, इधर जैसे पूरा रावण वगैरह दहन का जैसे प्रिपरेशन हो रहा है, और ये देखिए मेला जैसे दशहरा मेला पूरी तैयार हो चुका है, सारे झूले वगैरह। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आज उद्घाटन था, तो उद्घाटन के दिन ही बहुत सारा लोग आए हुए हैं, और यहाँ पे अच्छा खासा इधर जैसे पूरा मार्केट लग चुका है, यानी कि मेला सज चुका है, सॉफ्टी वगैरह जो भी है इधर प्योर। और ये यानी कि ये झूला सब अभी तैयार नहीं हुआ, ये तैयार हो रहा है, तो ये भी जैसे आपको तैयार हो चुका रहेगा, अभी ये भी जैसे तैयार हो रहा है। चलिए मिलते हैं आगे की ओर।